नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। कॉबेट पार्क में वन्यजीव सप्ताह के दूसरे दिन चला सफाई अभियान। रामनगर कॉबेट प्रशासन द्वारा वन्यजीव सप्ताह के दूसरे दिन विभिन्न संगठनों व स्कूली बच्चों के माध्यम से सफाई अभियान चलाकर दिया वनों और वन्यजीवों को बचाने का संदेश। आपको बता दें कि हर वर्ष विश्व प्रसिद्ध जिम कॉबेट नेशनल पार्क में 1 से 7 अक्टूबर तक धूमधाम के साथ वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें 7 दिनों तक अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों का कॉबेट प्रशासन द्वारा आयोजन किया जाता है। आज उसी कड़ी में वन्यजीव सप्ताह के दूसरे दिन पार्क प्रशासन द्वारा वेस्ट वॉरियर्स एवं अन्य विभिन्न संगठनों के साथ ही स्कूली बच्चों के साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कॉबेट पार्क के बिजरानी पर्यटन जोन में विभिन्न संगठनों के साथ और स्कूली बच्चों के साथ सफाई अभियान शुरू किया गया, जिसमें बिजरानी गेट से धनगढ़ी म्यूजियम तक सफाई अभियान चलाया गया। पार्क प्रशासन ने स्कूली बच्चों के माध्यम से वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बी हाइव बायोमैसिंग हेतु स्थानीय IEDC ग्रामवासियों को मौन पालन के जरिए स्वरोजगार से जुड़ने का प्रशिक्षण भी दिया गया। बता दें कि कॉबेट टाइगर रिजर्व में 1 से 7 तक लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार के लिए रोशनी पांडेय की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। कॉर्बेट में वन प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, आज दूसरा दिन है, क्या क्या कार्यक्रम है आज के विशेष, थोड़ा बताइए। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि 1 से 7 अक्टूबर तक कॉर्बेट में वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, बल्कि पूरे विभाग में ही मनाया जाता है, वन विभाग में। और इसका मैसेज ये जाता है कि वन्य प्राणियों के प्रति आमजन को और जागरूकता फैलाई जाए कि कैसे हमें वन्य प्राणियों का कंजर्वेशन करना है और उनको संरक्षित करना है और उनकी क्या महत्ता है वन्य प्राणियों की हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के। तो उसी क्रम में आज 2 अक्टूबर को आज आमडंडा पे ये प्रोग्राम रखा गया था, उसमें साफ़ सफाई का और वेस्ट वॉरियर और स्कूली बच्चे, NCC के बच्चे भी आज, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मौजूद हुए। माननीय विधायक जी भी हमारे प्रोग्राम में आए और इसमें एक साफ़ सफाई का मैसेज बच्चों के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से हमने देने की का एक प्रयास किया है और वन्य प्राणियों के प्रति आम जन को स्कूली बच्चों के माध्यम से जागरूक करने का एक प्रयास किया गया है।